हाय डियर फ्रेंड, एनसीईआरटी नाइन्थ क्लास साइंस का ये चैप्टर नंबर 12 देख रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है साउंड, और साउंड का ये पार्ट टू वीडियो देख रहे हैं। और पार्ट टू में हम क्या देखने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स में वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड वेलोसिटी, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अभी ये सब के बारे में मैं डिटेल में भी बताऊँगा कि वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ में अगर बताऊं कि इस प्रकार से उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे होती है, ये इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी होती है। तो वेवलेंथ देखो, यहाँ से इसके ये जो डिस्टेंस बताता है, ये जो डिस्टेंस बताता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं, जिसको लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। फिर बाद में एक लैम्डा को कंप्लीट करने में कितना समय लगा, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बता रहा है। एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, ये जो डिस्टेंस होता है ये, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये ट्रस्ट का है, और ये फिर उसके बाद से टाइम क्या होता है, टाइम पीरियड, वेलोसिटी क्या होती है, इसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट को। तो क्या बोला है, वेन अ वेव ट्रेवल इन एयर, द डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ एयर चेंज फ्रॉम देयर मीन पोजिशन। उसके मीन पोजिशन से क्या होते हैं, उसके डेंसिटी और प्रेशर ऑफ़ एयर, एयर के डेंसिटी और प्रेशर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। दूसरा, कंप्रेशन इज शोन बाय क्रिस्ट वाइल रिफ्रैक्शन इज शोन बाय ट्रफ। अगर कंप्रेशन शोन बाय क्रिस्ट, क्रिस्ट में कंप्रेशन है तो रिफ्रैक्शन आप ट्रफ में देख लेंगे। ट्रफ क्या होता है, क्रिस्ट क्या होता है, वही चीज़ मैं यहाँ पर बताने वाला था कि यहाँ पर अगर ऐसे इस टाइप का अगर ऐसे है, ऐसे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये जो होता है, ये वाला जो होता है इसको क्रिस्ट बोलते हैं, और ये जो होता है इसको ट्रफ बोलते हैं, क्रेस्ट, ट्रफ। और इनके बीच का ये जो डिस्टेंस होता है वो होता है एम्पलीट्यूड, ये भी एम्पलीट्यूड, ये भी एम्पलीट्यूड, ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो भूगोल क्या हो रहा है कि कंप्रेशन इज शोन बाय क्रेस्ट, अगर क्रेस्ट में, अगर क्रेस्ट के द्वारा कंप्रेशन दिखाया जाता है तो ट्रफ के द्वारा रिफ्रैक्शन दिखाया जाता है। कंप्रेशन इज अ रीजन ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ प्रेशर, कंप्रेशन इज अ रीजन ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ प्रेशर, और रिफ्रैक्शन इज अ रीजन ऑफ मिनिमम डेंसिटी ऑफ प्रेशर। जैसे यहाँ पे बताया है, स्पीकर है, कंप्रेशन रिफ्रैक्शन इस तरह से दिखाया हुआ है। स्पीकर यहाँ पे बोला कंप्रेशन रिफ्रैक्शन, इस तरीके से यहाँ पे दिखाया हुआ है। वेव लेंथ क्या होता है, अब देखिए एक एक पॉइंट हम देखते जाते हैं कि वेव लेंथ, यहाँ पे सब फिगर ड्रॉ करके बताया हुआ है, अगर इस फिगर में हम देखते जाएंगे वेव लेंथ पहले क्या है वो देख लेते हैं। इन साउंड वेव्स द कंबाइंड लेंथ ऑफ कंप्रेशन एंड द एडजेसेंट रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड इट्स वेव लेंथ। देखिए ई और एफ के बीच में बोला जाए, ठीक है, चाहे ए से लेके ई तक के बीच के डिस्टेंस को बोला जाए, चाहे डी से लेके एच तक का डिस्टेंस बोला जाए, ठीक है, वेव लेंथ है जिसको लैम्डा से इंडिकेट किया जाता है। और इसमें अभी मैंने वो चीज़ बताया कि एम्पलीट्यूड इसको बोला जाता है, इसको एम्पलीट्यूड बोला जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या बोला, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कंजुक्यूटिव कंप्रेशन और टू कंजुक्यूटिव रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड एज अ वेव लेंथ। चाहे रिफ्रैक्शन की बात करें, चाहे कंप्रेशन की बात करें, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं। सी क्या, इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर लैम्डा, लैम्डा से इंडिकेट करते हैं, ये ग्रीक लेटर है, और इसका एसआई यूनिट क्या है, मीटर है। एसआई यूनिट क्या है, मीटर, ये ध्यान में रखना कि उसका एसआई यूनिट क्या है, मीटर। तो ये आपको ये समझ में आ गया वेव लेंथ। उसके बाद से फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी होती क्या है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस इन वन सेकेंड और नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इट मींस वन सेकेंड में कितने नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स होते हैं उसी को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में कितने बार वो पूरा कंप्लीट करता है, पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है, सिंपल मीनिंग में अगर बोलूँ तो उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और नंबर ऑफ कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन पास इन वन सेकेंड इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी विच प्रोड्यूस द वेव्स। द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, ध्यान में रखना हर्ट्ज। द सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज न्यू से इंडिकेट करते हैं, न्यू सिंबल को, उसको न्यू से। वन हर्ट्ज इक्वल टू वन वाइब्रेशन पर सेकेंड,
एक सेकंड में कितना वाइब्रेशन होता है उसी को 1 हर्ट्ज होता है। बिगर यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी किलो हर्ट्ज, जैसे 1000 हर्ट्ज के बराबर होता है, किलो हर्ट्ज 1000 हर्ट्ज के बराबर होता है। फिर टाइम पीरियड देख लीजिए। एक चीज़ और अगर मैं बताऊँ, न्यू की जगह पे मैं इसको अगर एफ से डिनोट करता हूँ तो और बेटर रहेगा। फ्रीक्वेंसी को मैं एफ से अगर इंडिकेट कर रहा हूँ, स्मॉल एफ, तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। टाइम पीरियड देख लीजिए, टाइम पीरियड क्या बता रहा है, टाइम टेकन टू कम्प्लीट 1 वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। एक वाइब्रेशन को कम्प्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोला जाता है। टाइम रिक्वायर्ड टू पास 2 कंजुक्यूटिव कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन थ्रू अ पॉइंट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। SI यूनिट टाइम पीरियड इज सेकेंड और टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाई टी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। देखिए ये फ्रीक्वेंसी एफ बोलो इक्वल टू 1/T हो रहा है। ये पॉइंट याद रखने वाले ये हैं, याद रखने के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देख लेते कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो एम्पलीट्यूड में हम क्या देखने वाले हैं, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्बेंट पोजिशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है, मीडियम फ्रॉम द ओरिजिनल डिस्टर्बेंट पोजिशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, उसको एम्पलीट्यूड बोला जाता है। एम्पलीट्यूड को डिनोट किया जाता है ए से, जिसका SI यूनिट क्या है, ये भी मीटर है। साउंड हैव कैरेक्टरिस्टिक लाइक पिच एंड लाउडनेस एंड टिम्बर। तो वो क्या होते हैं, पिच क्या होता है, लाउडनेस क्या होता है, टिम्बर क्या होता है, तो आगे देख लेते हैं। जैसे पिच की बात कर रहा है, द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी, साउंड की फ्रीक्वेंसी के ऊपर, वाइब्रेशन के ऊपर। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी पिच की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेसर फ्रीक्वेंसी मतलब लोअर द पिच। और वुमेंस वॉइस इज श्रील हैविंग अ हाई पिच व्हाइल अ मैंस वॉइस इज फ्लैट हैविंग लो पिच। ए वुमेंस वॉइस इज श्रील हैविंग अ हाई पिच व्हाइल अ मैंस वॉइस इज फ्लैट हैविंग लो पिच। हाई पिच साउंड हैज लार्ज नंबर ऑफ कंप्रेशन, हाई पिच साउंड हैज लार्ज नंबर ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन पासिंग अ फिक्स पॉइंट पर यूनिट टाइम। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं वेव डिस्टर्बेंस इस तरीके का और वेव डिस्टर्बेंस इस तरीके का। वेव शेप फॉर हाई पिच साउंड, यहाँ पे हाई पिच साउंड है, यहाँ पे लो पिच साउंड है, हाई पिच एंड लो पिच। लाउडनेस क्या होता है उसी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। लाउडनेस देख ले, द लाउडनेस डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। और पिच किसके ऊपर डिपेंड था, पिच जो डिपेंड था वो किसके ऊपर था, वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है पिच, और लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड है, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड है। तो ये ध्यान रखना, ये डिफरेंस याद रखना कि पिच जो डिपेंड होता है फ्रीक्वेंसी पे और लाउडनेस जो डिपेंड होता है वो आपके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड होता है। लाउडनेस इज द मेजर ऑफ द साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना समय लेता है पहुँचने में हमारे कानों तक, उसको बोला जाता है लाउडनेस। द ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव ग्रेटर इज द एनर्जी, लाउडर द साउंड, शॉर्ट इज द एम्पलीट्यूड, लेस इज द एनर्जी, सॉफ्ट इज द साउंड। लाउडनेस इज मेजर इन डेसिबल, किसमें मेजर करते हैं, डेसिबल में मेजर करते हैं लाउडनेस को, ध्यान में रखना। डीबी डेसिबल बोला जाता है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं सॉफ्ट साउंड, लाउडर साउंड, इसमें एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। इस किसके ऊपर डिपेंड है, जितना ज़्यादा लाउडनेस उतने ज़्यादा उसकी एम्पलीट्यूड हो जाती है, तो ये पॉइंट को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद से होता है क्वालिटी और टिम्बर, क्वालिटी और टिम्बर क्या है वो देख लेते हैं। द टिम्बर ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ साउंड, साउंड के शेप के ऊपर, शेप साउंड सॉरी शेप ऑफ साउंड वेव प्रोड्यूस बाय इट, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड। इट हेल्प अस डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस, सेम पिच एंड लाउडनेस। साउंड ऑफ सिंगल फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड टोन, अगर सिंगल फ्रिक्वेंसी में अगर साउंड है तो उसको टोन बोला जाएगा। व्हाइल अ मिक्सर ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड एज ए नोट, टोन और नोट। नॉइज इज अनप्लीजेंट टू हीयर व्हाइल म्यूजिक इज प्लीजेंट टू हीयर, इट इज़ अ गुड क्वालिटी, जो हमारे हीयर के लिए प्लीजेंट हो ऐसे म्यूजिक को गुड क्वालिटी बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है, वेलोसिटी।
द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन वन सेकेंड इज कॉल्ड ए वेलोसिटी ऑफ वेव. द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन वन सेकेंड, एक सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसी को बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ वेव. और उसकी इसाई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड. क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है. और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम. डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम मतलब लैम्डा अपन टी, लैम्डा अपन टी हो जाता है वेलोसिटी वी इक्वल टू. लैम्डा इज द वेव लेंथ ऑफ द वेव्स ट्रेवल इन वन टाइम पीरियड. जो टाइम फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वन अपन टी होता है तो उसकी जगह पे पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू ये आ जाती है वी इक्वल टू लैम्डा इन टू वी आ जाता है. वी मतलब एफ. अगर सिंपल में बोले जाए तो अगर इसकी वेव की वेलोसिटी अगर फाइंड आउट करनी है तो वेव लेंथ इंटू फ्रिक्वेंसी अगर करते हैं तो हमें उसका वेलोसिटी स्पीड या फाइंड आउट कर सकते हैं. एग्जांपल भी बताया. एग्जांपल अगर देखें, व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव हुज टाइम पीरियड 0.00 सेकेंड. तो इसकी फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी, फ्रिक्वेंसी वन अपन टी कर देंगे तो टी मिल टी 0.05 है तो उसको फ्रिक्वेंसी मिल गया 20 हर्ट्ज. तो हैंस फ्रिक्वेंसी इज द 20 हर्ट्ज मिल जाएगी. नेक्स्ट है स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मीडियम. डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में साउंड की स्पीड कितनी होती है वो हम देखने वाले हैं. डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में साउंड की स्पीड क्या होने वाली वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 टू 15 मिनट का वीडियो बनाएंगे कि ताकि आपके ऊपर ज़्यादा टाइम आप बैठ के देख भी नहीं सकते तो आपकी कैपेसिटी है 10 टू 12 मिनट. इसको अगर देखेंगे कि ताकि आपको इजीली एक एक पॉइंट समझ में आ जाए तो हम इसके पार्ट थ्री में देखेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मीडियम. पार्ट थ्री वीडियो में ये पॉइंट को हम देखने वाले हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मीडियम क्या है. सो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि अपने और अपने फ्रेंड को शेयर करिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा वो बेनिफिट इसका ले सकें. सो देखते रहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.